सवाल नंबर तीन, तो चित्र दे रखा है आपके आकृति, उसका नाम है आपके ए इधर है, बी यहाँ पर है, ये सी है और ये हो गया आपके डी। इतने का सवाल में पहले तो दिया हुआ गिवन, सवाल में क्या दिया हुआ है, बीसी आधार, बीसी क्या है, दोनों त्रिभुजों का एक ही आधार है, दोनों त्रिभुजों का एक ही आधार। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जब भी आप सवाल के अंदर जैसे सूत्र है ज्ञात करेगा एक बटा दो आधार इंटू ऊंचाई, हमें आधार किसको लेना है, बीसी को लेना है। अब बीसी एक आधार कैसे हुआ, ये रहा बीसी, ये ऐसा है जो इस त्रिभुज का भी आधार है और इस त्रिभुज, इसका मतलब हमें ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज लेना है और आधार आपको इसको मानना है बीसी, और हमें करना है ज्ञात या हमें करना है सिद्ध, प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ए बी सी बटा एरिया ऑफ बी बी सी बराबर है ए ओ बटा डी ओ। तो इसमें एरिया का है, तो एरिया के लिए हम तो एरिया लेंगे, एरिया मतलब जैसे माल को तो लगाओ एक बटा दो आधार इंटू ऊपर दिन त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्र बताओ, सूत्र क्या है ज्ञात करने का, एक बटा दो आधार इनटू ऊंचाई, और सूत्र है ज्ञात करने का आधार को लेना है। इसने कहा है कि बीसी दोनों का एक ही आधार है, वैसे देखो आप एबीसी लो मतलब ये वाला त्रिभुज और क्या लो डीबीसी लो, दोनों में देखो बीसी नाम आ रहा है, तो बीसी क्या हो गया आपके आधार, आधार तो बीसी लेगा ऊंचे ऊंचे कहां से आएगी, ऊंचे मतलब बिल्कुल सीधी रहे, अगर मान लो ये आधार ऊंचे मतलब यूं रहेगा बिल्कुल सीधी, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, लेकिन ये लाइन थोड़ी तिरछी लग रही है, अगर आप चित्र ना अगर आप सीधा करो चित्र को तो ये जो ऊंचाई थोड़ी सी क्या है आपके तिरछी, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर एक 90 डिग्री कोण बनाएंगे, हम कितना बनाएंगे हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, उसका नाम होगा आपके ए एम बोल दो, और इस जो जो जैसे हमने इधर बनाया है वैसे हमको इधर भी क्या बनाना है 90 डिग्री का कोण बनाना है, का नाम होगा आपके क्या नाम है एन डिग्री, तो ये क्या हो जाएगी आपके रचना कंस्ट्रक्शन अट दिदो यहाँ दिदर रचना क्या आएगा, रचना आएगी कि ए एम लंब है बी सी पर, क्योंकि हमने आधार क्या बी सी दिया है, तो हम जो भी नंबर बॉम बनाएंगे वो किस बनाएंगे हम बी सी पर बनाएंगे, और दूसरा क्या होगा आपके डी एन लंब है बी सी पर, ये जो नंबर बॉम बनाया है किस पर बनाया है हमने बी सी पर, तो ये किसे बनाया हमने बी सी पर बनाया दोनों, क्योंकि बी सी आधार दिया है इस कारण। सबसे पहले ज्ञात करेंगे हम कौन सा एरिया ऑफ ए बी सी, इसका मतलब है ए बी सी का क्षेत्रफल, तो सूत्र क्या है ज्ञात करने का एक बटा दो इंटू आधार हमें क्या लेना है बी सी लेना है, और ऊंचाई लेनी है हमेशा 90 डिग्री में, 90 डिग्री में ये रही आपकी ए एम, और इसमें जो डिवाइड हुए भाग में यहाँ से डिवाइड ऐसे भाग हो जाएगा एरिया ऑफ क्या दे रखा है डी बी सी बराबर होगा एक बटा दो आधार वही है बाद आधार क्या हो गया बी सी ऊंचे क्या हो गया 90 डिग्री में डी एन एक बटा दो से एक बटा दो कैंसिल बी सी कैंसिल तो क्या आया बराबर होगा AM DN। सवाल में आया है आपके AM DN, लेकिन हमें लाना क्या है AO। अगर हमने इन दोनों को क्या कर दें बराबर, तो इसकी जगह हम ये वाला लिख सकते हैं। अब ऐसे बराबर कैसे होंगे, जो AO DO तो आ रहा है ये वाली भुजा AO और DO और AM DN ये रहा, तो ये कहाँ आ रहे हैं इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में आ रहे हैं। अगर ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाए समरूप हो जाए सिमिलर हो जाए दोनों दोनों क्या हो जाए समरूप हो जाए ये वाला और ये वाला क्या हो जाए समरूप, तो उसकी भुजाएं क्या हो जाएंगी आपकी समानुपाती हो जाएगी।
एक ओ नाम, क्या नाम इसका? इसका नाम है त्रिभुज ए ओ एम, वह त्रिभुज हो गया डी ओ एम से। इसको मान लिया समीकरण नंबर ए, क्योंकि ये नाम तो हमारे पास आ गया यार, ये नाम नहीं आना चाहिए, उसकी जगह आना चाहिए यार कि ए और डी ओ आना चाहिए। देखो इसमें दो चीज बराबर करो, पहली इसमें कोण एम 90 है और उसमें कोण एल है, वैसे यहाँ दिया होता है कि एक के बराबर है डी के, लेकिन जो ये रहा ए कोण और ये रहा डी कोण, बराबर तो है लेकिन कारण हमें मालूम नहीं है, कारण बिना कारण कोई होगा नहीं सवाल। अगला है ओ और ओ बराबर है, ओ जब इस त्रिभुज का तो ओ कोण और इस त्रिभुज का ये ओ कोण शीर्षाभिमुख कोण है, कोण ए ओ एम बराबर है कोण डी ओ एन, कारण है आपके शीर्षाभिमुख कोण। तूने क्या करे वर्टिकल ऑपोजिट है, सीधो वी ओ ए लिखो तो राइट है, मार खाना करके लिए दाव दे रखो, ये तो शीर्षा भी कौन है आप तो ध्यान दो अटक नहीं बट बोल रहा आवाज है तो यहाँ और क्या दे रखा है, आप लास्ट दे रखा है एम और एन, इसमें एम और इसमें एन दोनों कितने डिग्री के, 90 डिग्री बोल रहे हैं, एम को बीच में लियो कौन ए एम ओ बराबर कौन डी एन ओ, ये हो गया 90 डिग्री, नियम लग गया आपके ए ए अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो भुजाएं होंगी आपके समरूप, जैसे इसके अगले दोनों नाम हमने लिखने हैं, क्या लिखो इसका का नाम अगला अक्षर है ए ओ, उसका क्या होगा डी ओ, अब एक जोड़ एक लिखो यहाँ क्या है ए एम, तो वहां क्या आ रहा है क्या हुआ बाई, ये तो हो गया समीकरण नंबर एक और ये हो गया समीकरण नंबर दो, यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर एक व दो से। देखो ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी क्या होंगे बराबर, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी सी एरिया ऑफ बी बी सी, ये दोनों बराबर हो गए, तो ये दोनों बराबर हो गए, ये क्या क्या लिखेंगे हम इति सिद्धम, इति सिद्धम हैज प्रूव।